हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूं दोस्तों क्विक मैच के बारे में। मतलब हम लोगों को क्विक मैच में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों उसके बारे में आप लोगों को, और ये भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों उसमें क्या क्या फीचर्स है, और मैं गेम प्ले भी कर आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों को वीडियोस लेकर आता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप क्विक मैच पर टैप करेंगे तो आप लोगों को ऐसा एक इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं अभी न्यू मैच पर चलूँगा दोस्तों, तो इधर आप योर टीम भी सेलेक्ट कर सकते हो और आप लोग चेंज भी कर सकते हो दोस्तों अपना टीम, मतलब जो भी टीम से खेलना चाहते हो वो भी खेल सकते हो दोस्तों। तो अभी मैं अपोनेंट का टीम चेंज करता हूँ दोस्तों। तो आप इधर बहुत सारे टीम्स है दोस्तों, आप पूरा टीम से मतलब जितना वर्ल्ड कप के लिए खेलते हैं मतलब जितना जितना टीम से वो सब इधर है दोस्तों, आप जो भी टीम से खेल सकते हो। तो मैं इधर बांग्लादेश का टीम सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश में मतलब बांग्लादेश से खेलना कुछ थोड़ा सा आसान होगा दोस्तों हम लोगों को। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं ओवर्स के बारे में दोस्तों। तो अभी 2 ओवर से लेकर 50 ओवर तक आप खेल सकते हो दोस्तों, मतलब आप जो चाहे वो खेल सकते हैं इनमें से। तो अभी रिवॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी इधर देख सकते हो, मतलब अगर 50 ओवर का मैच आप जीत जाते तो आप लोगों को 5000 कॉइन्स जीत जाएंगे दोस्तों, गोल्ड कॉइन्स। ऐसे आप देख सकते हो पूरा लिस्ट है दोस्तों, मतलब जो भी है आप जीतेंगे मतलब फाइनली उसको आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे दोस्तों, मतलब आप लोगों को जितना कॉइन्स मिलना उतना कॉइन्स मिल जाएंगे। तो अगर आप 50 ओवर का मैच खेलना चाहते हो तो आप लोगों को 2500 कॉइन्स देने पड़ेंगे दोस्तों। 20 ओवर्स का मैच अगर आप खेलना चाहेंगे तो आप लोगों को 10 ओवर्स 500 ऐसा आप लोगों को पूरा देना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप जाकर खेल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम 2 ओवर का मैच खेलते हैं दोस्तों, अगर हम 50 ओवर का मैच खेलेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए मैं 2 ओवर से ही आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो अभी ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास मतलब अनलॉक है दोस्तों तो आप मतलब जर्सी अनलॉक है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अनलॉक नहीं है तो मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ओके प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इधर बहुत सारे स्टेडियम से आप जो भी स्टेडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर बहुत ही सारे स्टेडियम से हैं। तो लेकिन आप लोगों को तीन स्टेडियम आप लोगों को मिलेगा दोस्तों मतलब फ्री, उसके बाद सब आप लोगों को 5 प्लैटिनम कॉइन्स देने पड़ेंगे दोस्तों। तो मैं लंदन चूज कर लेता हूँ फ्री वाला, मतलब अगर दूसरा कोई अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को 5 प्लैटिनम कॉइन्स देना पड़ेगा दोस्तों। तो इधर डेड मैच है, मतलब डेड पिच है, ग्रीन पिच है, और दोस्तों इधर आप लोगों को रात में भी खेल सकते हैं, दिन में भी खेल सकते हैं, तो आप जो चाहे वो खेल सकते हैं दोस्तों। अगर आप क्लाउड्स वाला जो सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को बारिश आएगा दोस्तों, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो दोस्तों मैं इधर दिन रात को सेलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो इधर आपका प्लेयर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, मतलब इधर सेलेक्ट नहीं कर सकते, इधर बस देख सकते हो दोस्तों। तो मेरे प्लेयर्स आ गए, मैंने जो जो सेलेक्ट किया, तो अभी मैच स्टार्ट हो जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अभी स्टार्ट हो गया मैच, तो मैं टैप टू कंटिन्यू कर दूंगा। मैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को सेलेक्ट किया दोस्तों, 2 ओवर का मैच है, डेड पिच है, और ये रात के समय खेला जा रहा है। मैं हेड चूज करूंगा दोस्तों, मैंने हेड चूज कर दिया दोस्तों। अभी क्या आया, तो दोस्तों मैंने टॉस हार गया दोस्तों, उन लोगों ने बैटिंग चूज किया, तो पहले उन लोगों ने बैटिंग करेंगे और मुझे बॉलिंग करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं अभी बॉलिंग का स्क्विप कर देता हूं दोस्तों, मैं आप लोग को बैटिंग कर दिखाऊंगा। तो अभी मैं बॉलिंग का स्क्विप करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों बॉलिंग का मेरा स्क्विप हो गया, उन लोगों ने 33 रन्स बनाया दोस्तों, मैंने स्क्विप कर दिया। तो आप इधर देख सकते हो मेरा बैटिंग आ गया दोस्तों, 33 रन्स का टारगेट दिया उन लोगों ने, तो मैं आराम से करूँगा दोस्तों। तो पहले मैंने छक्का मारा, अच्छा हुआ कैच पकड़ा, नहीं तो आउट हो जाता पहले ही बॉलिंग में। चौका भी नहीं आया, 3 रन ही आया, वो भी रोक दिया दोस्तों, 3 रन आए, ठीक है। अभी मैं मारूंगा, अभी मैं रन लूंगा, ओह लगता है आउट दे दिया दोस्तों, मुझे लगता है नहीं नॉट आउट है, तो मैं एस कर दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, मतलब कभी कभी नॉट आउट होने पर भी आउट दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं नॉट आउट हूँ दोस्तों, देखते हैं मैं नॉट आउट हूँ कि आउट हूँ। मेरे ख्याल से बॉल जब गिरी ना तो आउटसाइड गिरा था, हाँ आउटसाइड ऑफ द पिच, तो मैं नॉट आउट हूँ दोस्तों। तो आप इधर देख सकते हो मैं नॉट आउट हूँ, तो मैं फिर से खेल सकता हूँ मैच को। तो एम्पायर का डिसीजन जो था गलत था, हम लोगों को चीटिंग किया एम्पायर ने चीटिंग किया दोस्तों, ये तो गलत है। तो गलती मान लिया दोस्तों एम्पायर ने। तो अभी मैं मारूँगा, अभी मैंने छक्का मार दिया दोस्तों, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया,
अभी उन लोगों ने मुझे नॉट आउट होने पर भी आउट देने की कोशिश किया दोस्तों, तो मैं इसीलिए उन लोगों को चक्कर से समाधान दिया दोस्तों, सिक्स मार दिया दोस्तों मैंने। तो अभी उन लोगों ने फील्डिंग चेंज कर दिया, अभी मैं और एक शॉट मारना चाहता हूँ अर्ली दोस्तों। मैंने लॉफ्ट प्रेस किया था लेकिन लॉफ्ट आया नहीं, ऐसे कभी कभी हो रहा दोस्तों, कभी कभी मैंने लॉफ्ट प्रेस कर रहा लेकिन कभी लॉफ्ट मतलब आ नहीं रहा। ठीक है, तीन रन मिल जाएंगे दोस्तों इधर, नहीं दो रन मिल रहे, ठीक है कोई बात नहीं। अभी मैं सिक्स मारूंगा दोस्तों, अभी मैं सिक्स मारूंगा, देखिए ये मारा सिक्स। देखिए दोस्तों पूरा टाइमिंग का खेल है, अगर आप अच्छे से टाइमिंग कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे सिक्सेस मार सकेंगे दोस्तों। तो मैंने अच्छा टाइमिंग भी किया दोस्तों, और अच्छा टाइमिंग के साथ साथ आप लोगों को अच्छा मतलब कौन सा डायरेक्शन पे मारना वो भी अच्छे से सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर वो गलत है तो आप लोगों को अच्छे से टाइमिंग होने पर भी आप लोगों को सिक्स नहीं मिलेगा, अच्छे से टाइमिंग के साथ साथ आप लोगों को शॉट सेलेक्शन भी आना चाहिए दोस्तों। तो एक ओवर हो गया, 18 रन्स मैंने मारा, लगभग दो छक्का मारा दोस्तों मैंने, बहुत है। तो अभी दूसरा ओवर आ गया, पहला बॉल तो मैं रन लूँगा दोस्तों, तीन रन आएंगे आराम से, तीन रन हम ले लेंगे दोस्तों, ये बढ़िया है। बस मतलब कुछ भी मत करो, बस रन भागो, तीन रन मिल जाएंगे आराम से, मतलब कुछ भी शॉट भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऊपर से नो बॉल डाल दिया दोस्तों, ये तो और ज़्यादा बढ़िया है, और ज़्यादा हम आराम से खेल सकेंगे। तो दोस्तों अभी अब मारने का वक्त है दोस्तों, अभी हम मारेंगे, लेट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, कैच होगा अभी कुछ नहीं होगा, फ्री हिट है, हम आउट नहीं हो सकेंगे। तो दोस्तों अभी मैं मारूंगा दोस्तों, अभी मैं फिर से रन लूंगा दोस्तों, रन लेना बढ़िया है क्योंकि रन लेने से तीन रन आराम से मिल जाएंगे दोस्तों हम लोगों को, उसके बाद हम आराम आराम से मार सकेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, आराम से आप तीन रन ले पाएंगे दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया है। बहुत स्लो थ्रो होता है थ्रो, ठीक है अभी मैं सिक्स मारूंगा, नहीं ठीक है मेरे ख्याल से हमको चौका मिल जाएगा दोस्तों, चौका मैं तो भरपूर मार रहा दोस्तों। ओके बढ़िया पार्टनरशिप हो गया दोस्तों, तीस रन बन गया हमारा, नौ गेंद में हम तीन रन, तीस रन बना दिया दोस्तों। अभी और एक लगता है मैंने लॉफ्ट बटन का प्रेस किया था, ठीक है हो गया दोस्तों, दो रन मैंने ले लिया, अभी सिर्फ एक ही रन बचा है इस गेम में, मैं एक रन लूंगा दोस्तों, मैं छक्का पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ रन लूंगा और गेम को फिनिश करूंगा दोस्तों, और मैच जीत जाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी भी मेरे पास दो गेंद बचा है, मैंने बहुत जल्दी गेम को कंप्लीट कर दिया दोस्तों, 33 रन्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया दोस्तों, और मैं जीत गया दोस्तों 10 विकेट से, वो भी मैंने जीता दोस्तों, एक भी विकेट मेरा खोया नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये गेम प्ले आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट कर बहुत ज़रूर बोलिएगा दोस्तों, और आप लोगों को ऐसे गेम प्ले लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से और आप लोगों को क्विक मैच के बारे में पूरी तरीके से आप लोगों को जानकारी मिल ही गया होगा, मतलब क्या ऐसे खेलने से क्या क्या होगा था, और आप लोगों को कितना रिवॉर्ड्स मिलता है दोस्तों। तो जल्दी से जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा,